भारत में काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे कि भारत में बुलेट ट्रेन का सपना कब पूरा होगा, और कब पूरा होगा तो कहाँ से लेके कहाँ तक पूरा ये भारत का बुलेट ट्रेन का सपना होने वाला है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं पूरे 508 किलोमीटर के बुलेट ट्रेन के रूट के बारे में, जो कि 12 स्टेशनों के साथ इसका काम किया जा रहा है। साबरमती से स्टार्ट होता है अहमदाबाद, आनंद नडियाल एंड वडोदरा, भरूच, सूरत, बिल्लीमोरा, वापी, बोईसर, विरार, थाने एंड वीकेसी में ये एंड होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को काफ़ी ज़्यादा ये खुशी होगी कि जापान से वर्ल्ड फेमस टेक्नोलॉजी वाली, जो कि शिंकानसन टेक्नोलॉजी की बुलेट ट्रेन हमारे भारत में आने वाली है, और जो कि 320 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने वाली है। दोस्तों, गुजरात के 8 जिलों में 352 किलोमीटर हिस्से में काफ़ी ज़्यादा काम कम्प्लीट हो चुका है, एंड दादर एंड नगर हवेली में भी काफ़ी काम स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4 किलोमीटर का हिस्सा है। और आज देख सकते हैं हमारे यहाँ पर किस प्रकार से टेक्नोलॉजी यहाँ पर बुलेट ट्रेन का काम किया जा रहा है, और बहुत ही जल्दी आपको बुलेट ट्रेन का ये लुत्फ़ उठाने को मिलने वाला है। पेयर कैब से लेके पेयर वर्क तक गुजरात में काम काफ़ी ज़्यादा कम्प्लीट हो चुका है। चौबीसों घंटे काम करने वाले इन मशीनों ने काफ़ी हद तक काम कंप्लीट कर दिया है। पार रिवर, पूर्णा रिवर, पेटलाट कैनल रिवर, और यहाँ पर बिना किसी ट्रैफिक को रोके 2400 घंटे जो कि यहाँ पर काम किया जा रहा है। और रेलवे का जो क्रॉसिंग का ब्रिज है एंड जो ट्रैफिक रोड क्रॉसिंग ब्रिज है, बिना किसी काम रोके ट्रैफिक को यहाँ पर काम किया गया है। दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि बहुत जल्दी आपको महाराष्ट्र का अपडेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त सपनों के शहर मुंबई, मुंबई में यानी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जहां से हमारे भारत का पहला बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। वहां पर पहला जो अंडरग्राउंड का बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है। दोस्तों, 1.2 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन का स्टेशन है, और ये सेक्शन C1 का अपडेट दे रहा हूँ। मैं जो कंपनी काम कर रही है ना, मेगा इंजीनियरिंग हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, दोस्तों इस जगह का जो स्टेशन का काम कर रही है, जो 1 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, और यहाँ से 20.37 किलोमीटर जो टनल बनाई जा रही है, यानी कि 7 किलोमीटर पानी के अंदर और 14 किलोमीटर जमीन के अंदर, जो कि अफकॉन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी उस टनल के हिस्से को काम कर रही है। तो आज हम देखने वाले हैं, इस स्टेशन पर आए हम। तो पिछली बार जब आए थे यहाँ पर, मैं 7 महीने पहले, मैंने आपको उसका अपडेट दिया था, और देखने वाले यहाँ पर कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। दोस्तों, वीडियो पर शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको काम देखने, काम की बात करूँ, जो फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर एक पेट्रोल पंप था और यहाँ पर ये पूरा ग्राउंड था। इस ग्राउंड में अभी ये यानी कि बांद्रा कुर्ला का ग्राउंड है, यानी बीकेसी का ग्राउंड है, जहाँ पर एक बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जा रहा है। और ये सामने बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई विदेशी बैंक है, काफ़ी सारी इमारतें, हमें इतनी जानकारी नहीं है उनके बारे में, लेकिन आज हम आपको अपडेट देंगे ना इस बीकेसी स्टेशन का, जो कि 1.2 किलोमीटर लंबा होने वाला। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने, इस जगह से ज़मीन के अंदर का काम इस वक्त चालू हो चुका है। हालाँकि यहाँ पर अभी ज़्यादा कोई काम स्टार्ट हुआ नहीं है, और ये है पूरा यहाँ का नज़ारा, और इस तरफ सीधा जाएगा ये थाने, यानी यहाँ से जो टनल बनाई जाएगी 21 किलोमीटर लंबी ज़मीन के अंदर, और 14 किलोमीटर तो ज़मीन के अंदर, और 7 किलोमीटर पानी के अंदर। तो यहाँ पर आज हम आपको इसका लाइव अपडेट देंगे लेटेस्ट, और इस जगह पर यहाँ से लेके लगभग 1 किलोमीटर के पूरा दायरे में हम आपको इसका अपडेट देने वाले हैं। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, जूम करके दिखा दूँ, हाई स्पीड मुंबई भूमिगत टर्मिनल से बांध काम, यहाँ से लगभग 600 मीटर की लगभग दूरी है, वहाँ से स्टार्टिंग होगी इस बुलेट ट्रेन के स्टेशन की ज़मीन के अंदर, और यहाँ से लगभग 450 मीटर लगभग इधर तक है, आपको काम दिख रहा होगा ना उधर तक, ये पूरा ज़मीन के अंदर होगा, इधर से सीधा एक समुद्र का हिस्सा है, समुद्र के हिस्से में होते हुए सीधे यहाँ से निकल जाएगी बांद्रा के लिए, जो कि वो सेक्शन C2 होने वाला है, और उसको अफकॉन्स कंपनी बना रही है, मैंने आपको बताया था, पूरा टनल का काम है। तो यहाँ पर आपको काम आज काफ़ी खुश देखने को ज़्यादा मिलने वाला है हमें, और इधर आप बारिश की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा कीचड़ काफ़ी ज़्यादा देखने वाले होंगे। तो अभी हम चलेंगे उस जगह से बाहर होके, तब आपको हम लास्ट तक अपडेट दिखाएंगे इसका, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो काम की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ काम देखने को मिल पा रहा होगा। यहाँ पर बाजू में आपको मेट्रो का काम देखने को मिलेगा, यहाँ पर बाजू में मेट्रो का भी काम चल रहा है, और वहाँ पर जय कुमार जो लिखा हुआ ना, जय कुमार सामने आप देख पा रहे होंगे,
वो उसके इस तरफ पूरा बुलेट ट्रेन का स्टेशन काम है, उसके बाजू में वो मेट्रो का कास्टिंग यार्ड है जहाँ पर मेट्रो के सेगमेंट वगैरह बनाए जाते हैं। और जय कुमार आला की जो सूरत की मेट्रो, वो भी जय कुमार कंपनी के द्वारा बनाई जा रही है। और यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं वेरिकेटर रेलिंग वगैरह लगाई जा रही है, इसको पूरा पैक कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन काम होने वाला है स्टार्टिंग। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ ये पूरा स्टेशन का हिस्सा रहेगा अंडर का। और सामने से आगे तक आपको दिखा के लाऊंगा मैं, वहाँ पर भी आपको कितना कितना काम देखने को मिलने वाला है। और पिछली बार तो यहाँ पर हमें कुछ खास काम देखने को मिला नहीं था क्योंकि काम यहाँ पर स्टार्ट ही नहीं हुआ था, मैं आपको बताऊँ। और अभी तो आप काफ़ी कुछ काम देखने को मिल पा रहा होगा, आपको जूम करके दिखाऊँ मैं। अभी तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारा काम यहाँ पर देखने को मिल पा रहा होगा, काफ़ी प्रोग्रेस हमें यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है। तो चलते हैं आगे की तरफ, दिखाएंगे आपको पूरा आपको अपडेट। अभी मेन रोड के पास आ गया हूँ मैं, यहाँ पर देख सकते हैं मेट्रो का काम चल रहा है, जो मुंबई की मेट्रो है। और इस जगह से सीधा जा रहा है मेट्रो का अपडेट, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर BKC का मेट्रो का स्टेशन बनाया जाएगा। और इसकी भी आपको पूरी वीडियो देखने को मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, इसका अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि एक वीडियो में दोनों चीज़ों को कवर कर पाना और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ था, आप लोगों को काफ़ी समझ में नहीं आ पाता दोस्तों। तो चलते हैं पहले आगे की तरफ। आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट आते हैं दोस्तों, तो हम उसी हिसाब से आपको अपडेट वीडियो बना के दिखाते हैं। जैसे कमेंट आते हैं हम चल देते हैं नए नए अपडेट की तरफ, हमारे भारत में क्या क्या प्रोग्रेस आपको देखने को मिल पा रहा होगा वो सब आपको हम हमारे YouTube चैनल के जरिए आपको दिखाते रहेंगे दोस्तों। और आप हमें इसी प्रकार से सपोर्ट और प्यार बनाए रखना दोस्तों। जो फाइनली डेडलाइन है बुलेट ट्रेन की, जो कि 2027 की है, यहाँ पर अभी हमने बात की है, तो 2027 में पूरी तरीके से बनके कंप्लीट भी हो जाएगी और यहाँ पर बुलेट ट्रेन भी दौड़ने लगेगी। और जो कि सूरत और बिल्लीमोरा का जो हिस्सा है 62 किलोमीटर लंबा, वहाँ पर काम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पर बुलेट ट्रेन का ट्रायल भी हो जाएगा, ये न्यूज़ अभी सामने आई है एक दो दिन पहले ही। तो इसलिए वहाँ पर जल्दी से जल्दी काम किया जा रहा है वहाँ पर। अभी आप सभी को पता होगा कि जो पटरियों का काम है यानी स्लैब का काम भी स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी जल्दी वहाँ पर हमें काफ़ी सारा काम देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देखेंगे ना, यहाँ पर अभी उस तरफ से काम स्टार्ट हुआ है इसका टनल का अंदर का, और अंदर तो हम आपको जाके दिखा नहीं सकते क्योंकि वो अंदर जाने की किसी को भी परमिशन नहीं होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो पूरा ग्राउंड था यहाँ पर पिछले बार, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, तो यहाँ पर कुछ भी काम था नहीं। तो अभी आपको यहाँ पर काफ़ी सारा प्रोग्रेस देखने को मिल पा रहा होगा दोस्तों। ये हमारे भारत हम सब भारतीयों के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि हमारे भारत में जब ये बुलेट ट्रेन का रूट बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलने वाला है। जो लोग मुंबई से अहमदाबाद सूरत का सफ़र करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा समय की बचत होने वाली है, हालाँकि किराया तो जो है वो थोड़ा कॉस्टली होने वाला है इसका, लेकिन समय भी काफ़ी ज़्यादा बचने वाला लोगों का दोस्तों। और ये मेट्रो का अपडेट ये देख सकते हैं आप। जो बुलेट ट्रेन का काम सबसे ज़्यादा लेट हुआ है ना दोस्तों, इस महाराष्ट्र सेक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा लेट हुआ है क्योंकि ये जगह काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों के बाद मिली थी। और पहले तो जो कि लॉकडाउन लग गया था और उसके बाद में फिर यहाँ की सरकार चेंज हुई, तो ज़मीन ना मिलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई थी, इसके लिए यहाँ पर जब जगह मिली तो उसके बाद यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ। तो अभी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलने वाला है और बहुत जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सब मशीन है, ये टनल का काम करती हैं, अंदर का ये जो बोरिंग वगैरह होता है ना उसका काम करती हैं। और अभी ये पूरी तरीके से चालू है और जोरों शोरों में इसका काम चालू है दोस्तों, आप देख सकते हैं जो यहाँ पर किस प्रकार से काम कर रही हैं। जो बड़ी वाली क्रेन मशीन आप देख रहे हो, क्रेन मशीन सामान उठाती है, और ये नीचे जो कि गड्ढा खोदने का काम करती है, तो मैं आपको बता दूँ पाइलिंग का जो काम होता है उसका काम करती हैं पूरा ये। और ये है नेशनल हाई स्पीड रेल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर पहला स्टेशन बनाया जा रहा है बुलेट ट्रेन का, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। और ये मुंबई की मेट्रो,
लगभग अभी हम आ चुके हैं 500 मीटर की दूरी लगभग अभी आ चुके हैं, और ज़्यादा नहीं 100-200 मीटर की दूरी का और डिस्टेंस बचा है। और क्योंकि मैंने बीच में से स्टार्टिंग किया था ना आप सभी को दिखाना, तो इसलिए अभी पीछे कैसा थोड़ा सा बाकी था, क्योंकि उधर अभी जाने का रास्ता नहीं था ना, इसलिए उधर से मैंने स्टार्टिंग नहीं किया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना जो काम चल रहा है अभी, काम अभी यहाँ पर स्टार्ट हो गया टनल का फुल स्पीड में, और बहुत जल्दी इनका टारगेट है कि हम सब इस बुलेट ट्रेन की यात्रा कर पाएँ, और हमारे भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन यहाँ से दौड़ने वाली है बांद्रे कुर्ला संकुल येथील मुंबई से भूमिगत हाई स्पीड रेल टर्मिनल से बांधकाम, यानी मराठी में लिखा हुआ है इसके बारे में। अभी इस वक्त यहाँ पर टनल का काम काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यहाँ पर चारों तरफ बंद है अभी। और इधर से आपको मैं दिखा दूँ ना, यहाँ से भी खुदाई का काम चल रहा है दोस्तों, और ये बहुत जल्दी ये खुदाई का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में पूरा अंडरग्राउंड का काम जो स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से स्टार्टिंग होता है मेन रोड है, वहाँ से स्टार्टिंग होता है पूरा स्टेशन का अपडेट, और सीधा जाएगा यहाँ से 1.2 किलोमीटर तक, यानी आगे तक जो ब्रिज है ना, ब्रिज जो VKC का जो मेट्रो का स्टेशन बन रहा ना, वहाँ तक इसकी बराबर में ही दोनों की लेंथ ली गई है आगे, जो कि VKC का मेट्रो का स्टेशन बना, और उसके बाजू में इसका स्टेशन का आखिरी पॉइंट है, मैं आपको बता दूंगा इस। और अभी यहाँ पे आप देखेंगे ना, बारिश अभी बंद हुई थी थोड़ी देर पहले, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा कीचड़ हो रहा है कि यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं थोड़ी सी हमें भी। दोस्तों अभी आप सामने जो ऑफिस देख रहे हैं ना, ये भी HSR का ऑफिस बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो बड़े बड़े कर्मचारी होते हैं यहाँ पर इस जगह पर बैठ के बाकी जो फिर ऑर्डर फॉलो करवाते हैं, और यहाँ पर ऑफिस बनेगा, इसके आगे पूरा काम स्टार्ट है, आपको सामने देखने को मिल पा रहा होगा। और यहाँ से इस जगह से काम इसका स्टार्ट होता है, जो कि आपको मैं आज एंड तक दिखाने वाला हूँ। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट था, मैंने आपको दिखाया, और आप इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आपको और भी नया नया अपडेट हम दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको एक एक पॉइंट ऐसा दिखाएं जहाँ पर आपको बिल्कुल भी बोरियत ना हो दोस्तों। पहुंच सके हैं उस हिस्से के पास जहाँ से बुलेट ट्रेन का पहला पॉइंट स्टार्ट होता है, इस जगह से दोस्तों। हालांकि इस साइड में इतना काम नहीं दिख पा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर एंड है इसका। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से स्टार्टिंग होता है, यहाँ पर पूरा काम कुछ इस जगह पर कुछ भी काम नहीं, क्योंकि इसका जो मेन हिस्सा है वो वहाँ से ही है, जो मैंने आपको दिखाया अभी जो बुलेट ट्रेन के स्टेशन का। और ये वैसे भी हालांकि पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर ही होने वाला है, और ये कुछ नज़ारा है VKC Street 6, ये रोड जाता सीधा Street 6 की ओर जाता है। तो मैंने इस बुलेट ट्रेन के स्टेशन की शुरुआत जहाँ से होती है BKC से और साबरमती तक, यहाँ से पूरा का पूरा अपडेट मैंने आपको दिखाया है। खाली मैंने आपको 3 स्टेशन का काम नहीं दिखाया, ठाणे, विरार और भुवनेश्वर, और मैंने आपको VKC, विलीमोरा, वापी, सूरत और भरूच, वडोदरा, उसके बाद मैं नडियाद और अहमदाबाद और साबरमती, 9 के 9 स्टेशन आपको दिखा चुका हूँ। और मैंने आपको आज Section C1 का अपडेट दिखाया, जो कि 1.2 किलोमीटर लंबा पूरा अंडरग्राउंड ये जो स्टेशन होने वाला है बुलेट ट्रेन का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करना, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते चलते एक नए ब्लॉग में, आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।